अम्मा भी जाग गई ठंडी में, और देखो कपड़े भी नहीं पहने ढंग से। बाजरा की खीर बनके हो गई तैयार। बाजरे का आटा पीसने के लिए ठंडे, देखो ऐसे बनती है बाजरे की रोटी। भाई कैसे काम चल रहा है? खा रहो खा रहो खा रहो। दे तो बैठ जाते, बैठ गो तो ला अम्मा बाबा का देखे आऊ। फिर राम राम जी, नमस्ते, और सब कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। गाइस आज भी देखो मौसम काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पूरा कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ, और कितना पानी गिर रहा है ये ज़मीन देख सकते हो, पूरा गीला गीला ज़मीन हो रहा है। तो बस अभी आँच बर रही है सुबह, तो बस उसी पे ताप रहे हैं। और आज का ब्लॉग शूट हो रहा है धौलपुर राजस्थान से, और अभी सुबह के 7 बज गए और आज है 27 दिसंबर। तो बस अभी सुबह सुबह बस आँच, ठंडी में तो आँच मिल जाए, बस आँच पे ताप रहे हैं बैठ के। राम राम कर लो मम्मी, राम राम। झाड़ी के माने तो मरे जा रहे हैं सारा। आज तो इतने के झाड़ा नाने ताप है तेरे को, आराम से बैठे जिनको झाड़ा में चाहने को जी बैठे हैं। जब ताप है अम्मा के पास जाए के भीतर जाओ जाओ। ओए कैसे उल्ला है? अम्मा भी जाग गई ठंडी में, और देखो कपड़े भी नहीं पहने ढंग से, साड़ी भी पहन के नहीं आती है, और कैसी ठंडी पड़ रही है। फिर आप बोलते हो कि अम्मा का कितना ख्याल रखे, तो साड़ी तो पहन के आप को रखा, ठंड ना पड़ रही। हाँ हाँ जाम में बोले जा रहा हूँ, बाजरे को आटा दरिबो बनवाऊँ, बाजरे की खीर। हाँ बाजरे की खीर बनवाएंगे। राम 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 बेटा, राम राम। चलो हमारी अम्मा, हम सब में बढ़िया हैं, देख लो सभी लोग कपड़े में घुसेंगे। हमारी अम्मा पुराने जमाने की हैं इसीलिए, और हमारा कभी कभी नहाने का मन नहीं करेगा, लेकिन हमारी अम्मा को रोजाना नहाना है। बोलती हैं पानी थोड़ा गुनगुना कर दे, मेरे को नहाने दो। लेटरिंग भी हमने तोड़ी नहीं है, क्योंकि लेटरिन के लिए दिक्कत होगी सर्दी में इसीलिए। लेकिन हमारी अम्मा की बात निराली है, वो लेटरिन में जाती ही नहीं है, जब कभी जाएंगे तो बोले मेरे को आती नहीं ढंग से, इसीलिए वो बाहर ही जाती हैं ज़्यादातर। और इसमें लेकर आया मैं बाजरे का, जो मम्मी ने पीस के रख दिया है बाजरा, तो इसका हम बनवाएंगे आज खीर। यह देखिए गाइस, आज सुबह सुबह बाजरा की खीर बनके हो गई तैयार। सोनी ने बनाई बाजरा की खीर, बहुत ही गजब की खुशबू तो मान के चलो बहुत बढ़िया आ रही है इसमें से। अभी बच्चों के लिए बस निकाल रहे हैं, सबको परोसते हैं सुबह के नाश्ते में, आज तो खीर मिलेगी है विवेक। राम राम, राम राम। अभी खीर बन गई, तो अम्मा बाबा के लिए पूरा जग भर के लेके आए हैं, बस इसी का नाश्ता होगा आज सुबह सुबह। और देखो चकिया की भी आवाज़ आ रही है, चकिया चल रही है अंदर, गीत गा गा के आपको सुनवाता हूँ। यह देखिए चकिया चल रही है, दोनों सास बहू लगी हुई हैं बाजरे का आटा पीसने के लिए ठंडे में, गरम गरम खीर। ये देखिए बाजरे का आटा ये निकल रहा है, ये है बाजरे का आटा एकदम शुद्ध। अभी सभी लोग जितना आएगा हिस्सा में, सभी लोग थोड़ा थोड़ा मिल बांट के खा लेंगे। अम्मा बाबा सबको स्वाद आ गया बोल रहे थे, आनंद आ गया। सुबह सुबह हमारा पेट सिक गया ठंडी के मौसम में, क्योंकि इतना सारा कोहरा जमा हुआ है चारों तरफ, तो बस गरम गरम खीर खाई, तो बोल रहे गर्मी आ गई शरीर के अंदर गर्मी। अभी ये पूरा खा ली, अपना ऊपर रखा है, अभी नाश्ता करेंगे बस सुबह का। अभी लेबर भी आ गई, काम करवाते हैं। कई की कह रहे हैं बाजरा चून बाजरी रोटी, अच्छा मम्मी बना रही है वहाँ है। हाँ चलो अभी हम इन पत्रों को डाल लेते हैं उधर, जैसे काम कम हो थोड़ा। मम्मी ने कहा बनाया, अम्मा मम्मी के घर रोटी बनी है बाजरा की। अभी एक गड्ढा उधर खुद रहा है ना, रसा है आलू का। अभी सोनी का खाना इधर बन रहा है, सोनी बना रही है अभी रोटी, और बनाया है सब्जी में आलू का रसा, ये की सबको फेवरेट सब्जी, ये देखो आलू का रसा। और हमारी मम्मी जी बना रही हैं उधर बाजरा की रोटी, मम्मी ने बोला सुबह ही कि गेहूं की रोटी सोनी बना लेगी उधर छत पे, बाजरे की रोटी मैं उधर ही बनाऊँ, उसी चूल्हे पे बना रही हैं। कहाँ जाऊँ
तो कोम कुदर में मक्का पक गांव दिया हूं रोटी करन को एक आध बजरी रोटी ले आई मम्मी पे थे तो खुल ले कब दूं भाई रोटी काय में कुदा हूं ओके ओके एक चूल्हा उधर चल रहा है एक चूल्हा देखो इधर चल रहा है और इसमें बनाया जो आलू का रसा खट्टा मठा वाला ले अम्मा गरम होगा नीचे मत पकड़ो बाजरे की रोटी मीड़ मीड़ के खाइए ये बन रही है बाजरा की रोटी ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया दो जगह चूल्हे चलवाए थे आज तो ये देखो ऐसे बनती है बाजरे की रोटी थोड़ा सा पानी लगाओ और बस बढ़ाते जाओ लेकिन बाजरे का जो आटा है उसको साथ में ही लगाते हैं उसी समय लगाने के बाद रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं लगा के नहीं रखते हैं पहले से अब लैटरिन भी टूट गई अब लैटरिन कहाँ पे करेंगे जगह पैसा कराएंगे दीवार टूट जाए तीन दब देंगे एक लैटरिन कत रही है जही में कि तुम जाना तो नहीं फरिया कोई तबे तक कहीं मिल कर रही खंडा दो कहा जमीन पे नीचे ना जागो तन्नो कर लेंगे खंडन ने जी तो ये कहा कि छोटी हरी है ये कहा कि बड़ी हरी है रोए क्या कर रहा वहां से उसे कर रहे थे यहाँ खेने में थे ऐसा क्यों कर रहा हूँ मो कौन दही कौन मारो तो फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं जी पहुंच ले जा पहुँच ले आंसू पहुँच ले अम्मा धोती थे आंसू पहुँच ले अम्मा ही धोती थे चल अम्मा ही धोती थे पहुँच ले आंसू पहुँच ले ले आंख पहुँच ले चला है मानसू बंदूक चला चलिए गाइस अभी हम अपनी कुकिंग की वीडियो बनाते हैं ऊपर से आ गया उधर सोनी जी इस उधर से बुला रही है ये सारा कर रही है जाओ कुकिंग की वीडियो बनी वो बनाएंगे आज कुछ लड्डू वगैरह बता रही है सुबह सुबह नाश्ता के लिए देखते हैं कौन से लड्डू बनाती है भाई कैसे काम चल रहा है भाई सभी हमारी ये ट्राईपॉड की ना टांग टूट गई एक दो दोनों टांग टूट गई ये वाली तो अभी इन पे हमने वो ऑपरेशन कर दिया है इनका पलस्तर चढ़ा दिया है लेकिन ये टांग थोड़ी छोटी हो गई क्यों हो गई क्योंकि इनमें से दोनों में से काटना पड़ा इतना टांग इनकी काटनी पड़ी ये इतना इसीलिए ये छोटी हो गई ये बड़ी वाली है पहली वाली ये वाला तार टूट गया इसके अंदर तार होता है ना ये जैसे ऐसे मुड़ जाता है ट्राईपॉड इसीलिए तो ये टूट गया फिर इतना इसको काटा फिर तार निकाला फिर इसको फंसा दिया है तो टांग तो छोटी होगी लेकिन ये है कि काम चलता रहेगा अभी ये देखिए सोनी की रेसिपी बन रही है बहुत ही गजब की ये देखो इसके अंदर जो कि आपको कल मिल जाएगी 11:30 बजे सोनी विलेज लाइव यूट्यूब चैनल पे जरूर देखना बहुत ही लाजवाब नाश्ता है ये बिस्किट बन रहा है बिस्किट एकदम क्रिस्पी सूजी आटे के बिस्किट ये देखो कि देख खुद को मिस्त्री साहब अभी थोड़ा सा अभी तो और लेकर आए दो रद्दा तब पहुँचे वो पिलर नो आज हमारी अंजू ईंट साफ करने के लिए बैठ गई है बोल रही थी मौसा जी मेरे को कितना पैसा दोगे ईंट साफ करने का हैं और ये देखो ये बैठी है अभी होमवर्क वगैरह करके बस बोल रही थी शाम को पढ़ेंगे अभी छुट्टी है 2-3 दिन की ईंट साफ करने में बैठ गई है साथ में बोल रही मन नहीं लग रहा है छत पे मेरा थोड़ा काम करती हूँ अंजू क्या ईंट साफ करी तो तेने आज गिनी ना भाई तो वाला गिनती करवाई दी हो है बच्चों को काम करने का नहीं वो शौक लग रहा है बस इसीलिए ईंट साफ करने के लिए बैठ जाते हैं फिर आज छुट्टी पड़ गई है इसीलिए अम्मा कहाँ खा रही है अम्मा काय में लगी है हैं देख लो चक चक खा रही है कहाँ खा रही है पाग अभी खतौना है पाग और आएगा कितने को रहेगा अभी हैं और आएगा ये कट्टी करेंगे चार से नहीं आएगी और पाग बनाओ तो फिर कहाँ होगा और पाग बनाने वाली है ना तो गिदी गिदी खा ले तो बना खावा तो गिदी गिदी नहीं बाजरा को मिला के बना दी दिन तो चखाओ नहीं और तुम क्या करो सरियंते सरियंते कहा वो धराव ठाई में जो एक मेड़े कड़वे निकले में धराव ठाई में सीधे करके धर रहे हैं
नहीं सीधे करेंगे और काम में आ जाएंगे तुम्हारा फोन कहां है बाथरूम में काम आ जाएंगे देगी ना सगन तलंग लगाएंगे फोन ये जुड़ी जो मैसेज हुआ देगी ला कहां है गिदी गिदी जरे गिदी उठा ले ये गिदी अम्मा के गिदी रुतते ना अम्मा पे हैं हमारा होते लाएंगे लिया खा लो सवेरे में पूछ रहा सोनी मेरी पाव दे देंगे हमारी पाव खत्म कल आयो रे कल आयो है जिन्ने का पिल्ला खा रहे मटर है गैया खा ली गैया और दो हो जो तो नाइकियां और नाली में ठंडा में ले 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 पाक खा ले ले खा जीरो लाइव मिल गो ठंड लग रही बेचारे यार मम्मी ने कपड़ा पहना दे देख लो कपड़ा पहले जाने अब ठंड कम लग गई हैं कितने को रसाव को मम्मी कैसा मोगड़ा है रहा खाए लो मत जाए नहीं ठंडा में खा लो खाए लो जी खाई ना रहे हो जी मीठ के दादा जी पानी में मीठ का रोटी नहीं खा लेंगे जी गीली करके तो खा लेते घुरा रहे थे कह लड़ रहे हैं दादा खा लेंगे जाएंगे नहीं दादा खा लेंगे पनिया मैं तो पता रहेगी थी खा लेंगे मामा ते बाबर होता थे ना जी रोटी कौन से पे वो खनोटे में घुस गो खाई भी गाजो है मानसू अजय बिजाई कौन है जय कौन है बिजाई राज ने भी जाए गंदो मुड़ा है पिटाई करेंगे बाकी ये देखो कितना होशियार है ये पूरे को कवर करके बैठ गया कि दूसरा नहीं खा जाए इसमें से मत ले खा ले खाए रहो खाए रहो खाए रहो दे फिर बैठ गो फिर बैठ गो हट जाते खा ले अब बैठ ले वहां में अब बैठ जा अभी रोटी बन गई तो ला अम्मा बाबा एक आऊं देखे आऊं फिर आज बाजरी रोटी ना बनाए गेहूं की खाएंगे आज तो है चलो देखे आए लो ताप रहे हैं बैठी खाना खाइए ले मम्मी पकड़ो अम्मा खाना खाइए आज तो यहीं सोएंगी अम्मा आज रास्ता नहीं है उधर कल रास्ता कर देंगे घर को सही कल सोना कमरे में आज पता पच जाओ अम्मा यहाँ ठंड लगेगी कि नहीं लगेगी वैसे तो नहीं लगेगी कह रहे ठंड तो कहीं नहीं लगेगी यहाँ और मानसू किधर जा रहा है सब्जी लेके ओ मटर पनीर बनाई है देखो कल हमने बनाई थी आज राजकुमार की हमारी अरे अम्मा बाबा कहाँ ले जा रहे हो ना लेके आ रहे हो अम्मा बाबा कहाँ ले जा रहे हो कौन से योगेश बेबे का पाँच दावे जावे अम्मा बाबा के ले जाइयो अम्मा को कम्बर है और अम्मा को पीरो से पिछोरा है ले जाएगी जी दोस्तों अभी खाना खा लीजिए देखो गुड़ का डेला और बाजरा की रोटी दूध के साथ में तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत बढ़िया होता है जो बाजरा की रोटी है दूध में डाल के खाइए सर्दियों के मौसम में बहुत ही हेल्दी बहुत ही ताकतवर अभी खाना खाते हैं आज तो कोहरा अभी से आ गया गाइस अभी कितना टाइम हुआ है अभी तो 9:15 बज रहे हैं देखो और कोहरा आ गया चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है हमारे पापा जी की झोंपड़ी भी नहीं दिख रही अभी इस समय सोनी का तो सवेरा हो गया है सो गई कि मोबाइल देख रही है मोबाइल चल रहा है मोबाइल चल रहा है देख सकते हैं और गाइस आप सभी को आज का हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें क्योंकि आज सिर्फ पिलर का गड्ढा हुआ है और कल देखते हैं जो गड्ढा रह गया है वो कल करवाएंगे और परसों शुक्रवार से काम चालू हो जाएगा जो भी कुछ लेके आना है वो सब आपको बताते रहेंगे रेट वगैरह तो फाइनली आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम।
जय हिंद, वंदे मातरम।